नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज के विशेष खबर पर। कानपुर में फिर रेल हादसा, 15 डिब्बे पटरी से उतरे। उत्तर प्रदेश में कानपुर देहात के रूडा क्षेत्र में बुधवार सुबह अजमेर सियालदह एक्सप्रेस के 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। हादसे में दो यात्रियों की मौत हो गई और 60 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। केंद्रीय मध्य रेलवे के इलाहाबाद मंडल में हुए इस हादसे में दो लोगों की मृत्यु हो गई है। कानपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक जकी अहमद ने दो लोगों की मृत्यु की पुष्टि करते हुए बताया कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कानपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर हुए इस हादसे में दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग बाधित हो गया है। इटावा और कानपुर के बीच रूरा के पास करीब 5:20 पर हुए इस हादसे में घायल लोगों को पहले स्थानीय लोगों ने मदद की, उन्हें ट्रेन से बाहर निकाला। इसके बाद रेल और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और कर्मचारियों ने उनकी मदद की। रेल अधिकारियों के अनुसार डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ गए होते तो मृतकों की संख्या काफी बढ़ जाती। सियालदह से अजमेर जा रही ट्रेन संख्या 12987 के दुर्घटना के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि इसकी जांच रेल संरक्षा आयुक्त से कराई जाएगी। दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन से यात्रा कर रहे राजेश कुमार ने बताया कि सुबह करीब 5:15 अचानक बहुत तेज आवाज हुई। पल भर में पता चल गया कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसा होते ही ट्रेन में कोहराम मच गया, यात्री इधर उधर भागने लगे। महिला और बच्चों की चीखने की आवाजें सुनी गई। राजेश कुमार के अनुसार 15 डिब्बे पटरी से उतरे हैं, इनमें से 13 स्लीपर और 2 सामान्य डिब्बे थे। उसके अनुसार दुर्घटना स्थल के पास थी छोटी नहर में भी 2 डिब्बे गिर गए थे। इस बीच रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर कहा कि मैं स्थिति पर नजर रख रहा हूं, मैंने अधिकारियों को दुर्घटना स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया है। घायलों को चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। बचाव और राहत सुनिश्चित करने के लिए सभी संसाधन जुटाए जा रहे हैं। और आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा का निधन। साल बोनी में मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी नहीं करेंगे ओवरटाइम। सुरेश कलमाड़ी भारतीय ओलंपिक संघ के आजीवन अध्यक्ष बने। हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है भारत। न्यूयॉर्क में लावारिस बैग मिलने पर ट्रंप टॉवर खाली कराया गया।